एम्स को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता राजेश शर्मा ने राव इंद्रजीत पर साधा निशाना, कहा कि जनता को एम्स के नाम पर दी गई है लॉलीपॉप। राव इंद्रजीत ने रिवाड़ी की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लंबे समय से मनेठी के ग्रामवासी एम्स को लेकर धरने पर बैठे थे, लंबी मशक्कत के बाद मिली थी मंजूरी। अब पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी न मिलने के बाद रिवाड़ी की जनता में छा गई है मायूसी, जिसको लेकर विपक्ष लगातार भाजपा पर साध रहा है निशाना। कहीं इनेलो तो कहीं कांग्रेस के नेता भाजपा को घेरे में लिए हुए हैं। वहीं आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने भी राव इंद्रजीत पर साधा निशाना, साथ ही एमपी और एमएलए के पेंशन को लेकर भी बोले। सुनिए क्या कहा आम आदमी पार्टी के नेता राजेश शर्मा ने। देखो, मैं तो यहाँ की पब्लिक को पहले कहता था, इलेक्शनों से पहले इन्होंने ये जो लॉलीपॉप दिया अपने गुड़गांव लोकसभा के लिए, ये सिर्फ एक राजनीति चाल थी। अगर एम्स हॉस्पिटल बनेगा, 2014 में भी खट्टर साहब ने पहले एम्स के लिए कह दिया था, फिर एम्स की मना होगी, उसके बाद फिर 2019 के इलेक्शन आए, प्रधानमंत्री जी कहलवा दिया, अब ये कह रहे हैं अगर इतने पेड़ कटेंगे, ये सब बकवास की बातें हैं। मतलब यहाँ एम्स ये खुद ही नहीं बनने देंगे, और सिर्फ ये इलेक्शनों की वजह से इन्होंने पब्लिक को लॉलीपॉप दिया था, और ये बहुत बड़ी चीटिंग, बहुत बड़ी गद्दारी की इस एरिए से इन राजनीति हाल में। क्या ये वोट की राजनीति थी वोट के समय? बिल्कुल वोट की राजनीति है, बिल्कुल वोट की राजनीति है ये। अब एक बात बताओ कि सर्दी गर्मी वहाँ इतने दिन धरना चला, दीपावली हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार आता है, एम्स के धरने में दीपावली जैसे त्यौहार उन्होंने निकाले उस धरने में, और फिर इन्होंने ये कही भाई एम्स हॉस्पिटल यहाँ बन जाएगा, 200 एकड़ जमीन दी है। आप मेरे को एक बात बताओ, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा गाँव है जिसने 200 एकड़ जमीन दी? क्या एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन की जरूरत है? एम्स तो 20 एकड़ में भी बन जाएगा, बहुत बढ़िया। ये कह रहे कि एम्स साबी नदी में बनाएगा, अगर वहाँ तो वहाँ भी तो पेड़ पौधे हैं, अगर वहाँ बरसात का पानी और नहरी पानी आता है बाढ़ का, क्या वहाँ एम्स बनने? नहीं, जो साबी नदी की कह रहे हैं ये एक इनका और दूसरा ड्रामा शुरू हो गया है, इनका ये ड्रामा शुरू हो गया है भाई वहाँ की बजाय साबी नदी की कह देते हैं। साबी नदी में भी पेड़ पौधे बहुत है, और साबी नदी में तो वैसे ही पानी आता है, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो साबी नदी में पानी आता है। देखो, बीजेपी अध्यक्ष का जो आज बयान है ना, ये बिल्कुल गलत है। बीजेपी अध्यक्ष उपाध्यक्ष बीजेपी जो उपाध्यक्ष जी है अरविंद यादव जी, उनकी गलत है ये जो उनका कहना है भाई एम्स हॉस्पिटल बनेगा। वो खुद यहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ के लोगों से वो खुद धोखा कर रहे हैं। विपक्ष का तो नहीं, राजनीति एक अच्छे तरीके से राजनीति करो ना, विपक्ष का काम है ठीक है राजनीति करना, लेकिन अच्छे तरीके से पब्लिक की आवाज उठाओ। कितना बड़ा धोखा, कितनी बड़ी चीटिंग हुई है यहाँ की पब्लिक के साथ, यहाँ की पब्लिक ने क्या बुरा किया है राव इंद्रजीत जी को? जब से हमने जन्म लिया है, जब से राव इंद्रजीत जी बनते आ रहे हैं, क्या किया राव इंद्रजीत ने हमारा? इतनी भारी बहुमत से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में यहाँ की पब्लिक ने बना के भेजा है, तो कुछ राव इंद्रजीत ने सोचना चाहिए, मनोहर लाल खट्टर जी ने सोचना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने सोचना चाहिए, कितना अच्छा रिकॉर्ड बनाया पब्लिक ने। क्या विधानसभा चुनाव से पहले फिर ये एम्स को लेकर आएंगे, फिर दोबारा एम्स को लेकर आएंगे? किसी ना किसी गांव में तो वहां जमीन इंक्वायर कर रहे हैं, 20 एकड़, 50 एकड़, ये इनका ड्रामा होगा। और एम्स हॉस्पिटल यहाँ एमपी जो भी ये पेंसिल ले रहे हैं, ठीक है, मैं भी एक पार्टी का आदमी, ये गलत है। एमएलए एमपी उनको तो पेंसिल और तनख्वाह लेनी नहीं चाहिए, चाहे किसी पार्टी का कोई भी हो। आज एक देश का जवान जो फौज पे, जो बॉर्डर पे नौकरी कर रहा है, उनको पेंशन नहीं है, तो इन लोगों को पेंशन क्यों मिल रही है? शर्मा जी, आप खुद एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपको मौका मिला तो क्या आप निकलेंगे पेंशन? देखो, सबसे पहले ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, मैं जरूरी नहीं है आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ूं, मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूँ और किसी पार्टी से। कोई नई पार्टी आएगी, क्या आम आदमी पार्टी आपको टिकट नहीं देगी? नहीं, आम आदमी पार्टी टिकट देगी। भविष्य में अगर आप एमएलए एमपी बनते हैं, हाँ जी, तो पेंशन मिलने का जब मौका आएगा तो आप क्या ठुकराएंगे? नहीं, उससे पहले मैं एफिडेविट दूंगा, जब फार्म भरे जाएंगे उस टाइम मैं एफिडेविट ये दूंगा, मुझे पेंशन और तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं देश की सेवा करने के लिए आया हूँ, ये नहीं अपने खुद की सेवा, अपने घर परिवार की सेवा करूँ तनख्वाह पेंशन लेके।